गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन. सो टुडे आई एक्सप्लेन चैप्टर नंबर 10 एंड पार्ट 3. तो बच्चों, आज हम जो है पार्ट 3 जो है वो एक्सप्लेन कर रहे हैं चैप्टर नंबर 10 का. तो स्टार्ट करते हैं. कैस्टर ऑयल. कैस्टर इज ऑल्सो नोन एज दिवेल लोकली. हम जानते हैं कि कैस्टर ऑयल जो है, रेड़ी का तेल जो है, उसको हम लोग दिवेल के नाम से जानते हैं. इट इज बोथ खरीफ एंड वेल एज एंड रबी क्रॉप. एक खरीफ क्रॉप भी है और रबी क्रॉप भी है. विथ 64%, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कैस्टर इन द वर्ल्ड. 64% जो है कैस्टर का प्रोडक्शन भारत में होता है, नहीं रेडी का प्रोडक्शन. चाइना एंड ब्राज़ील कम नेक्स्ट रेस्पेक्टिवली. चाइना और ब्राज़ील जो है इसके बाद आते हैं. अबाउट 80% ऑफ इट्स प्रोडक्शन कम फ्रॉम गुजरात. इसके 80% जो है वो गुजरात में होते हैं. आंध्र प्रदेश एंड राजस्थान आर अदर प्रोड्यूसर्स इन गुजरात. द डिस्ट्रिक्ट ऑफ बनासकांठा, पाटन, साबरकांठा, राजकोट, जूनागढ़, अमरेली एटसेट्रा. ये सब जगह में जो है हमारे गुजरात में रेड़ी का तेल बनते हैं. और आंध्र प्रदेश और राजस्थान में भी भारतवर्ष में ये होते हैं. प्रोड्यूस इन लिटिल क्वांटिटी. थोड़े से अमरेली, जूनागढ़ ये सब जो में हैं, थोड़े से परिमाण में होते थे. द ऑयल फ्रॉम कॉटन सीड्स, सनफ्लावर, पेडी एंड मेज ऑल्सो यूज टू इंक्रीजिंगली एन एडिबल ऑयल. ये जो कॉटन सीड्स है, सनफ्लावर है, पेडी है, मेज है, ये जो है खाने के तेल में हम लोग जो पकाते हैं उसमें इस्तेमाल करते हैं. अब जो है विवरेज, इले टी, इले तरल जो चीज़ है वो. टी इज अ प्लांट ऑफ ट्रॉपिकल एज वेल टेम्परेचर जोन. जो टी है वो ट्रॉपिकल जोन में होते हैं. इसके लिए टेम्परेचर जो होता है अच्छे होना चाहिए. द टी लीफ इज इट्स स्टैंडर्ड. स्प्राउच आर प्रोड्यूस्ड इन पाउडर स्मॉल लीव्स एंड यूज स्ट्रिंग्स. ट्री के जो पत्ते होते हैं, जो टी के लीफ होते हैं, वो लीफ जो है उसको चुन के ले जाना पड़ता है, फिर उसको सुखाना पड़ता है, फिर उसको डस्ट करके जो है वो हम लोग चाय में तब्दील करते हैं. इंडिया प्रोड्यूसेस मैक्सिमम टी आफ्टर चाइना. इंडिया जो है चाइना के बाद आते हैं प्रोड्यूस में. श्रीलंका, चाइना, इंडिया आर लीडिंग एक्सपोर्ट्स. ये जो श्रीलंका जो है, चाइना जो है, ये एक्सपोर्ट करते हैं हमारे यहाँ से जो चाय है वो. स्लोपी लैंड वेयर द वाटर क्लासीफाई फ्लोज डाउन. इसकी जो ज़मीन होता है, कभी अब लोग हम लोग अगर जाए आसाम में या दार्जिलिंग में, हम देखेंगे कि इसकी जो ज़मीन होता है ढाल होते हैं और अंदर जो है इसके रो होते हैं, और जो ऊपर इसके रो के अंदर अंदर बड़े बड़े पेड़ लगाए जाते हैं ताकि इसके जो लीफ है वो योलाइज ना हो जाए इसीलिए, और इसके पानी जो है वहाँ पे रुके नहीं, बह जाए, इसलिए फ्लोज होते हैं उसके. गुड आयरन कंटेंट्स 20 to 30 degree टेम्परेचर ज़रूरत होती है. ज़्यादा टेम्परेचर नहीं, 200 सेंटीमीटर के रेनफॉल होते हैं ज़रूरत. और कंडीशन जो होता है प्लांटेशन, ये बहुत महंगी एक प्लांट है जिसके लिए हमारे मतलब फेवरेबल कंडीशंस जो होते हैं वो ज़रूरी होती है. टी इज़ ग्रोन मोर इन आसाम. टी जो है वो आसाम में ज़्यादा होते हैं. वेस्ट बंगाल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, आसाम, वेस्ट बंगाल प्रोड्यूस 75% टी. मतलब वेस्ट बंगाल में, दार्जिलिंग में, मतलब अगर वेस्ट बंगाल के हम लोग नॉर्थ बंगाल में जाए जहाँ पे ये टी बहुत ही फेमस है. अब देखो द डायरेक्ट हाई फॉल्स ऑफ कॉफ़ी लीव्स. अब कॉफ़ी जो है वो क्या है, कॉफ़ी क्रॉप्स नीड्स 150 से 200 सेंटीमीटर रेनफॉल की ज़रूरत होती है. 15 to 28 degree जो है टेम्परेचर ज़रूरी होती है. इसका भी स्लोपी माउंटेन लैंड, मतलब ढाल और जो है पथरीला जो ज़मीन है वो चाहिए होता है. कॉफ़ी जो है
वो कर्नाटक में ज़्यादा होते हैं, केरला और तमिलनाडु में जो कुर्ग एरिया कहा जाता है, कुर्ग जो हम लोगों ने इंग्लिश में पढ़े हैं आपको पता है कुर्ग का, वो उसके में कर्नाटक में होते हैं बहुत ज़्यादा कॉफ़ी। कॉफ़ी जो सीड्स होती है ये उसके से नट्स निकाल के, उसके जो होते हैं बीज निकाल के उसको जो है यूज़ किए जाते हैं ड्रिंक में। कोकाओ इस प्रिया प्रिपेयर्ड आउट सीड्स द कोकाओ फ्रूट, ये जो है कोकाओ फ्रूट से बनते हैं। कोका इज बिवरेज, ये भी एक बिवरेज है, मतलब तरल है, एक चॉकलेट जो होता है इससे बनते हैं। और इसके लिए ह्यूमिड क्लाइमेट, एक्सीबल रेनफॉल भी ज़रूरत होते हैं ज़्यादा, और क्लाइमेट भी मतलब आधा धूप आधा छाव ऐसा होना चाहिए। अफ्रीकन कंट्रीज मेजर प्रोड्यूसर, अफ्रीकन में ज़्यादा ये बनाए जाते हैं, उगे जाते हैं। कोका जो है इसका प्रोडक्शन जो है केरला, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में राज्य में होते हैं। अब देखो हम लोग पढ़ेंगे जूट। जूट जूट क्या है? जूट पहले बहुत यूज़ होता था, अभी इतने प्लास्टिक के बैग्स आ गए हैं इसलिए जो है जूट यूज़ नहीं होते। तो ये जूट जो है ये एक रोप्स, बैग्स, फुटवेयर्स, हैंडीक्राफ्ट आइटम इससे बनते हैं। जूट जो है एक स्ट्रॉन्ग कंपटीशन है, बांग्लादेश में ज़्यादा से ज़्यादा जूट होते हैं, और वेस्ट बंगाल में, नॉर्थ बंगाल में अगर हम लोग जाए, जलपाईगुड़ी, बनगांव, सिलीगुड़ी, ये सब जगह में हमको जो है ये जूट दिखेगा। जूट के लिए बहुत ही बोंद मिट्टी, जिसको ह्यूमिड क्लाइमेट मतलब थोड़े धूप थोड़े झाँव का चाहिए, और मिट्टी भी जो बोंद चाहिए एकदम उपजाऊ वाला, और इसमें 30 डिग्री से 40 डिग्री सेंटीग्रेड में जो है टेम्परेचर चाहिए, रेनफॉल भी ज़्यादा चाहिए, क्योंकि जूट जो है जो गंगा है, गंगा के किनारे होते हैं वेस्ट बंगाल में, आसाम में, ये जो है एक ऐसा कल्टीवेशन है। इसको जो है कैसे बनाया जाता है कि ये उग जाने के बाद जब ये बड़े हो जाते हैं झाड़, इसको पानी में एकदम रखा जाता है, फिर उसमें एकदम पिघल जाते हैं, वो एकदम डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, फिर उससे फाइबर निकलते हैं और फाइबर को सुखाया जाता है, फिर उससे धागे जो होता है वो धागे से बहुत सारे चीज़ बनाए जाते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे तंबाकू। तंबाकू जो इसमें जो सुइटेबल कल्टिवेशन है इसके लिए क्लाइमेट जो है वो आप जो है अच्छी होनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा टोबैको पाए जाते हैं चाइना, ब्राज़ील और इंडिया, यूएसए में, गुजरात, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश में, भारतवर्ष में जो है कर्नाटक जो है वो मेजर स्टेट्स है तंबाकू इंडिया में, मतलब प्रोड्यूस करने में, ग्रोन करने में। द चार्टर रीजन और खेड़ा एंड आनंद डिस्ट्रिक्ट में महसाणा, वडोदरा, पंचमहल ग्रोन मोर टंबाकू। जो टर्टर रीजन है वहाँ पे ये सब तंबाकू के खेती होती है, जैसे खेड़ा, आनंद, महसाणा, वडोदरा, ये सब में। अबाउट 80% बीड़ी तंबाकू इंडिया प्रोड्यूस गुजरात, जो बीड़ी बनाने का जो तंबाकू होते हैं गुजरात प्रोड्यूस करते हैं। टंबाकू इज यूज मेका गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, स्नफ एट्सेट्रा। तंबाकू जो है गुटखा, बीड़ी जो है वो सब बनाने में, सिगरेट बनाने में इस्तेमाल होते हैं। आप तो जानते हो कि गुजरात में हमारे तंबाकू यानी तंबाकू का कितना सेवन होता है। तंबाकू कंजम्पशन हार्मफुल टू हेल्थ, ये जो है हमारे शरीर में नुकसान भी पहुंचाते हैं। सिक्किम इज़ द फर्स्ट स्टेट ऑफ बैन तंबाकू गुटखा, सिक्किम जो है पहला है जो तंबाकू गुटखा को बैन किया है। रबड़ इज़ प्रिपेयर्ड आउट ऑफ मिल्क ओजिंग इन द लैटेक्स, रबड़ जो है एक पेड़ आते हैं रबड़ का, एक लैटेक्स ट्री जिसका नाम है, उसके जो एक रस होता है उससे ये बनते हैं। एसिटिक एसिड मिक्सड विद द मिल्क कलेक्टेड फ्रॉम द रबड़ प्लांटेशन, एसिटिक एसिड मिक्स किया जाता है रबड़ प्लांटेशन में। देन इट इज हीटेड ऑन लो टेम्परेचर टू ऑब्टेन रबड़। अब जो है ये रबड़ जो है वो बनते हैं, और इट यूज्ड मेनली इंडस्ट्रियल प्रोड्यूसर्स लाइक टायर्स, ट्यूब इस्तेमाल किया जाता है। रबर प्लांटेशन जो है ये ऐसे रीजन में हॉट और क्लाइमेट, ह्यूमिड क्लाइमेट जरूरी होती है, बहुत ज़्यादा बारिश ज़रूरत होती है, और उसके बाद जो है मलेशिया रैंक्स इन द फर्स्ट वर्ल्ड इन रबर प्रोड्यूस प्रोडक्शन। इंडिया, केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, आसाम, त्रिपुरा रबर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स। तो बच्चों आज जो है आपको यहाँ पे रबर, जूट,
कॉफ़ी, टी, ये शॉर्ट नोट्स में आपको लिखने हैं। टबाकू आपको लिख के मुझे बताने हैं। यहाँ का लेक्चर आज का यहाँ पे ख़त्म होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके बारे में जानेंगे। ये एग्रीकल्चर चैप्टर है, बहुत ही अच्छे से रीड करना, ठीक है? तो ओके, टेक केयर योर सेल्फ, स्टे सेफ, स्टे होम, गुड बाय।